खरखोदा थाना के अंतर्गत सोहटी गोपालपुर मार्ग पर 28 फरवरी की रात मिली धर्मराज की लाश, जिसे बेखौफ हत्यारा खुर्दबुर्द कर भागने में कामयाब हो गया था, उस हत्यारे को खरखोदा पुलिस ने धर दबोचा है। आपको बता दें कि ये हत्यारा कोई और नहीं बल्कि धर्मराज का चहेता उसका जिगरी यार संदीप निकला, जिसने धर्मराज की पत्नी के कहने पर उसकी हत्या कर दी। आपको बता दें कि ये कहानी काफी दिन से शुरू थी, लेकिन अंजाम इसे 28 फरवरी की रात को दिया गया। एसएचओ खरखोदा के अनुसार जांच की गहनता से अब ये पता चला है कि आरोपी ने मृतक धर्मराज की पत्नी मुन्नी देवी के कहने पर ही धर्मराज की हत्या की थी। इस हत्या के पीछे धर्मराज की पत्नी मुन्नी देवी और संदीप का प्रेम प्रसंग भी बताया गया है। 28-29 के रात को एक धर्मराज नाम के व्यक्ति का मर्डर हुआ था, जो गोपालपुर गांव का रहने वाला था। उसमें एक व्यक्ति गिरफ्तार किया जिसका नाम संदीप है, जो कांडा का रहने वाला है, अभी हाल में खरखोदा रह रहा था किराए पर। उसको हमने गिरफ्तार किया था। क्या मामला सर, किस उसमें गिरफ्तार किया गया है उसको? उसने पूछताछ में बताया कि मेरा कुछ पैसे का लेन देन था, वो पैसे देने से मना कर रहा था। कहाँ से उसको गिरफ्तार किया गया सर? उसको दिल्ली चौक से गिरफ्तार किया है। हमें खबर मिली थी कि नेक्स्ट रात को अपने घर आएगा कुछ सामान लेने के लिए। उसी दौरान हमने 2-3 पार्टी बना के उसको वहाँ से राउंड अप किया। सर, क्या संदीप का कोई आपराधिक मामला पहले भी दर्ज हो चुका है? नहीं, दोनों ये ड्राइवर थे, दोनों के पास अपना अपना कैंटर है, वो चलाते थे और काफ़ी दिन से कुछ पैसे लिए थे धर्मराज ने, जिसके ये बार बार मांग रहा था, ब्याज लगा के करीब 1.5 लाख रुपये बन रहे थे। उसने देने से बिल्कुल मना कर दिया, उसको दारू पिला के गाड़ी में, और करीब रात को 1 बजे के आसपास सोहटी गोपालपुर के बीच में मर्डर किया। पति पत्नी और वो यानी हत्यारा संदीप कुमार। पुलिस में संदीप गिरफ्तार हुआ है, जिसे पूछताछ में आगे जो मृतक है धर्मराज, उसकी घरवाली का नाम शामिल हुआ है, जिसने बताया कि मुन्नी देवी पत्नी धर्मराज ने मुझे बोला था आगे इसको जल्द से जल्द खत्म कर दो, फिर साथ में रहेंगे।